देखिए, पढ़ाई के मामले में खुद पे भरोसा होना बहुत बड़ा मामला है। आमतौर पे सभी के साथ ये समस्या बनी हुई है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते भी हैं लेकिन उनको लगता है आज पूरे दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरा दिन निकल गया। अच्छा, कुछ लोग लगातार पढ़ रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी दिन ब्रेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं आ रहा, आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, मन में यही लग रहा है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ लिया है, इतना आंसर राइटिंग कर लिया है, इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लिए हैं, डाउट बना हुआ है अभी भी पढ़ाई को लेकर के। अब इसको लेकर के दो चीजें हैं, जिन लोगों की यह स्थिति है कि वो लगातार पढ़ रहे हैं और अपने ऊपर भरोसा नहीं पा पा रहे हैं, दो चीजें हैं। थोड़ा सा समझिएगा कि आप यहां पे कहां पे खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं। क्या आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, पर डे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बावजूद भी आपने पिछला जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक बहुत सारा पढ़ डाला है, साल भर पढ़ डाला है, मान लीजिए 6 महीने पढ़ डाला है, 2 महीने पढ़ डाला है, जितना सबका अलग अलग टेन्योर होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक दो अटेम्प्ट वाले भी होंगे, एक अटेम्प्ट दे दिया, दो अटेम्प्ट दे दिया, तीन अटेम्प्ट दे दिया, और अभी भी उन्हें लग रहा है कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, पीछे मुड़ के देख रहे हैं लग रहा है सब ब्लैंक है, सब खाली है, अभी फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा, फिर चीजें करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी है जो आपके दिमाग में बैठ गई है। हर बार आप नए को ही पढ़ाई मानते हैं, जो आप पढ़ चुके होते हैं उसे आप पढ़ाई नहीं मानते हैं। आप में से जितने भी बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं, दरअसल उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि अभी मुझे भाई पुराने को तो आप एक्नोलेज ही नहीं कर रहे हैं ना, जैसे आप पूरा दिन पढ़ते हैं, शाम को तब भी अधूरापन सा लगता है, आपको लग रहा है यार अभी भी अधूरापन है, अभी भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअली एक ऐसी साइंस साइकोलॉजी आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि आपको लग रहा है कि अभी नया बहुत सारा पढ़ना है, या जो पढ़ रखा है जब उसको रिवाइज कर लेंगे तब जाकर के आपको चीजें याद होंगी। अच्छा, कुछ लोगों ने एक दो बार रिवाइज भी कर रखा है तब भी उनके मन में बैठा हुआ है। एक बात मैं बताता हूं आप लोगों को, आप में से जितने भी बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं पा पा रहे हैं, एक काम करिए, थोड़ा सा कठिन है लेकिन कर सकते हो तो कर लीजिए, सुबह से शाम तक 2-3-4 दिन करके देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं कह रहा हूं 1 सप्ताह ट्राई कर सकते हैं आप, अपने आप को तपा दीजिए, पूरा समय दिमाग में केवल एक ही विचार आना चाहिए, पढ़ाई का एक ही विचार, और लगभग 12 घंटे से लेके 13 घंटे तक बैठ करके पढ़ना है 3-4 दिन तक। बीच बीच में छोटे छोटे गैप लीजिए लेकिन फोकस कंप्लीटली एक तरफ होना चाहिए स्टडी को लेकर के। ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह आप करेंगे, आप में आत्मविश्वास लौटने लग जाएगा। दरअसल हो क्या रहा है, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो बीच बीच में जो ब्रेक आ जा रहे हैं ना, आपने पढ़ा बीच में 1-2 दिन गैप हो गया, पढ़ा 1-2 दिन गैप हो गया, उसने आपको कभी कॉन्फिडेंस में लाके खड़ा नहीं किया। रेगुलर होना चाहिए पहले तो, और पर डे 12 घंटे, कम से कम 13 घंटे, यदि 14 घंटे भी दे पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये 1 वीक ही करना है, इसके बाद आप सामान्य हो जाइए, मतलब कोई जरूरत नहीं है, फिर आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में थोड़ा सा आपको प्रेशर ज्यादा लेना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा सा आपको ज्यादा दबाना पड़ेगा खुद को। तो मेरा उन सभी छात्रों से आग्रह है, जो लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन मन में अभी भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा है, थोड़ा सा 1 सप्ताह का टाइम निकालिए और अपने आप को क्रश कर दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, जबरदस्त तरीके से, पूरे दिन आपके दिमाग में एक ही विचार निकलना चाहिए, सारे थॉट्स को क्रश कर दीजिए, जितने भी विचार में अदर ऐसे भी थॉट आ रहे हैं, ऐसे भी विचार आ रहे हैं जो विचार पढ़ाई के अलग हैं, हर टाइम पढ़ाई के अलावा दूसरी कोई बात नहीं सोचना। और दूसरी चीज, आप सफलता के बारे में सोचिए, जितनी एनर्जी आप असफल होने के लिए लगा देते हैं आपके दिमाग में असफल होने के थॉट ज्यादा हैं सफल होने की अपेक्षा। कारण क्या है, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं, आपको लगता ही नहीं आप जाकर के एग्जाम हॉल पे बहुत बेस्ट करके आ पाओगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, ये कंडीशन भी आपको बहुत ज्यादा मतलब लेके चल रही होगी। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है, विनम्र आग्रह है हर एक बच्चे से, कि आप अपने थॉट्स पे स्टडी को लाइए, पढ़ाई को लाइए और सफलता को लाइए, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन बैठा दीजिए, कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो जो एग्जाम देंगे उसमें आप सफल हो रहे हैं। आप एक बार करके देखिए, मैं कह रहा हूं 1%, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते पढ़ते अभी आप ये लोग ये बात सोचना चालू कर दीजिए कि आप सफल हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। अब आप देखिए दिमाग की फीलिंग्स क्या है,
एक बार अपने दिमाग को यह मैसेज दीजिए कि आप सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अच्छा, अंदर से ऐसा तो नहीं यार आप लोग के, अरे नहीं नहीं मैं कहां हो जाऊंगा। थोड़ा भरोसा करके देखिए, इस थॉट को आप मल्टीपल टाइम दीजिए। देखिए, ब्रह्मांड में जो थॉट्स आप छोड़ रहे हैं ना, वही आपको इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पॉजिटिव विचारधारा यदि आपने देंगे तो उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। मल्टीपल टाइम आपके दिमाग में पढ़ाई और सिलेक्शन की सफलता, ये दो चीजें चलनी चाहिए, ठीक है। आमतौर पर आप खुद को स्वयं टॉर्चर करते रहते हैं, हर दम हर दिन टॉर्चर करते हैं, हर पल टॉर्चर करते हैं, पढ़े हुए को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। सुबह से शाम तक पढ़ डालेंगे, मान के मानेंगे ही नहीं मैंने पढ़ाई की है, तो फिर कैसे बात चलेगी? ऐसे तो बात ही नहीं बन पाएगी ना। तो एक बात ये कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। बस मेरा एक सीधा आप लोगों से आग्रह है, और जितनी बार आप चीजों को मतलब एक डिसिप्लिन वे पे पढ़ना चालू करेंगे ना, एक अनुशासनात्मक वे पे करना चालू करेंगे ना, उतना बेटर होता जाएगा। डिसिप्लिन की है, डिसिप्लिन के अभाव में आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए डिसिप्लिन को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है। तो आज से एक तरीके से शुरू कर सकते हैं आप मेरे साथ, आज से शुरू कर सकते हैं, पूरी एनर्जी के साथ शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं, और पूरी ऊर्जा के साथ आप सुबह जगिए 5 बजे। 5 बजे जगने के बाद 5:30 बजे मेरी क्लास लीजिए, 5:30 बजे से लेकर दिन भर आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपको कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, और बाकी जहां पर लगता है अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करिए। यदि आपकी क्लासेस हैं तो क्लासेस कंप्लीट करिए, सारी चीजें आप करिए, बस बढ़िया से आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी, बहुत पावर आ जाएगी, ठीक है। मेरा आप सभी से आग्रह है। तो ये आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, अपने आप पे भरोसा करिए, अपने आप पे विश्वास करिए। आप ही हो जो अपने आप को बदल पाओगे, आप ही हो जो एग्जाम में जाकर के बेटर कर पाओगे, आप खुद हो। अच्छा, आपका कल्याण और उद्धार कौन करेगा? आपका कल्याण और उद्धार आप स्वयं करोगे। तो आप दूसरों पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो, खुद पे क्यों नहीं करते हो? खुद पे भरोसा करिए, अपने शरीर पे भरोसा करिए। आपका ये दिमाग चल रहा है तभी आप ऐसे बैठे हुए हो, तभी आप मेरी क्लास सुन रहे हो, लेकिन आपको भरोसा किस पे? दूसरे के दिमाग पे। अरे वो मेरे से ज्यादा तेज है, अरे भाई इस पे तो विश्वास करके देखो। आपके दिमाग, आपके पास भी वही सुपर पावर है। एक चीज आपको पता है, मेडिकल साइंस में ब्रेन का रिप्लेसमेंट नहीं है, ब्रेन का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। आपको शायद ये पता ना हो, हर चीज का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। आपके हृदय का भी हो जाएगा, किडनी का भी हो जाएगा, लीवर का भी हो जाएगा, लेकिन ब्रेन का डोनेशन आपने नहीं सुना होगा कि दिमाग को डोनेट कर दिया किसी ने। ब्रेन का डोनेशन नहीं है, यानी आपके पास इस दुनिया की सबसे यूनिक चीज है। यह संभव नहीं कि मेरा ब्रेन आप में डोनेट हो जाए, मैं आपको दे दूं अपना दिमाग। यानी आपके पास दुनिया की सबसे यूनिक चीज है ना, सबसे यूनिक चीज आप लेकर के बैठे हुए हैं, और भरोसा किस पे कर रहे हैं? दूसरे के दिमाग पे। तो दूसरे के दिमाग पे भरोसा करने से अच्छा है कि आप खुद के दिमाग पे भरोसा करिए, खुद के उस पे भरोसा करिए, तब जाकर के मुझे लगता है कि सब कुछ हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। ये सुपर पावर है आपके पास, इसी से पूरी बॉडी चलती है ना। आप कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, ये निर्देश देता है, ये राजा है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, तभी इसको सबसे ऊपर रखा गया है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग सबसे ऊपर है। जानवरों में क्या होता है, सब एक सीध में होते हैं, हृदय दिमाग सब एक सीध में होते हैं, हमारे यहां हृदय से ऊपर भी दिमाग को रखा गया है। तो ये बुद्धि है, यदि ये संचालित नहीं होगी, यही हृदय को भी निर्देश दे रहा कि बॉडी को ब्लड को पंप करे, ब्लड को सर्कुलेट करे, यही हमारे हाथ को जो है पावर दे रहा है। बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है ना, हाथ ही नहीं काम करता, एक हिस्सा ही शरीर का नहीं काम करता, क्योंकि जब इससे कनेक्शन कट सब खत्म, समझ रहे। तो सारा खेल यहां पे है, इसको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, और जब आप इसको अच्छे पॉजिटिव थॉट देंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसको निगेटिव थॉट क्यों दे रहे हो आप, इसी में क्यों लगे हुए हो? नहीं होगा, नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आपका हो ही नहीं पाएगा, आप पढ़े ही नहीं, नहीं शब्द अपनी डिक्शनरी से हटाने की कोशिश करिए। ये विषय पे जाइए कि आप कर पाएंगे, आपसे हो पाएगा, आप ही कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। खुद पे भरोसा बढ़ना चालू हो जाएगा, और यदि इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, दूसरे पे ज्यादा भरोसा कि अच्छा वो कितना ब्रिलियंट है, उसका दिमाग कितना तेज है, ये जाने अनजाने में हमारे गार्जियन करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं,
गार्जियन और टीचर ये काम कर देते हैं विद्यालयों में, ये देखो बच्चा कितना तेज। जब कंपेयर चालू होता है ना आपका, आपके उस ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने का प्रयास किया जाता है। दरअसल जाने अनजाने में हमारे जो अभिभावक आपके शुभ चिंतक है, वो चाह रहे आप बहुत अच्छे बन जाओगे, लेकिन जैसे ही आपको कंपेयर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तो वैसे ही आप और कमजोर हो जाते हो। इसलिए कंपेयर नहीं करना है खुद को और ना करने देना है किसी को, है ना। शिक्षक वर्ग में भी अभी ये चीज बहुत ज्यादा है, बचपन में बच्चों को कंपेयर बहुत ज्यादा किया जाता है और इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ क्लासेस करते हैं, सुबह से शाम तक मेरे साथ रह रहे हैं, ऑनलाइन बैचेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी को मैं एक ही बात कहता हूं कि ये ही सब कुछ है, इसको सारी की सारी पावर समझिए, ये सुपर पावर है आपकी। और सुपर पावर है तो फिर किस चीज की टेंशन आपको, हर चीज कमा लोगे। जिनके घर में पैसे की तंगी है ना, ठीक है अभी है, लेकिन आप कमा सकते हो कितना भी, आपके पास पोटेंशियल है, आपको रास्ते मिलेंगे। मेहनती होने चाहिए बस, आप ईमानदार होने चाहिए बस आप अपने जीवन में, परिश्रम और ईमानदारी और अनुशासन, ठीक है, डिसिप्लिन होनी चाहिए आप में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी को यह संदेश है और इसका अनुपालन करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आपको आप ही जिता सकते हैं, कोई नहीं जिता सकता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो एंजाइटी हो जाती है जिनको, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे एक मित्र हैं वो डॉक्टर हैं और मनोचिकित्सक हैं, है ना, यही दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार जब मैं उनके पास जाता हूँ ना तो बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं उनके पास, तो मैं बैठता हूँ जब, तो कई बार वो कहेंगे कि आप बैठो थोड़ा सा, देखो कैसे कैसे पेशेंट आते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके पास कोई पेशेंट नहीं आता है जितने मेरे पास आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनका मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि किस लेवल पे ब्रेन चला गया है, बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, लाइफ में लगता है कुछ रखा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। मैंने तो हर तरीके के बच्चे देखे हैं, परिवार में देखा कि परिवारों में इतनी कलह चल रही है, बहुत सारे वहां पे जानते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है ना, आपका एंजाइटी खत्म हो जाता है ना, आपके पूरे दिमाग की पूरी जितनी एनर्जी है ना पूरी लॉस्ट हो जाती है, तो फिर भरोसा खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है जीवन है ही नहीं कुछ, जीवन नीरस है, लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, उनको लगता है यार अब इस जीवन को खत्म कर लेना ही सब कुछ है, कोई फायदा नहीं होने वाला, जी के करूंगा ही क्या, क्योंकि उनके सारे सपने थॉट सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऑल अबाउट सब कुछ केमिकल के थ्रू चल रहा है ब्रेन में, जैसे ही आपके केमिकल, आपकी एनर्जी केमिकल ही एनर्जी है, हार्मोन्स ही एनर्जी है, वो केमिकल जैसे ही आपके खत्म हुए आपका उत्साह खत्म हो जाएगा, उत्साह का हार्मोन्स खत्म, उत्साह खत्म, खुशी का हार्मोन्स खत्म, खुशी खत्म। तो ऑल अबाउट ब्रेन, सब कुछ दिमाग में हो रहा है और कुछ भी नहीं है, हर चीज दिमाग से कंट्रोल्ड है, थकान भी दिमाग को लगती है, यदि दिमाग को नहीं लगती तो शरीर तब भी नहीं थकेगा, काम करें। तो आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव वेव्स दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए, पॉजिटिव इसको बताइए, फिर देखिए आप कहां पे जाकर खड़े हो जाएंगे, क्या आपकी जो है आप मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप क्या बन जाओगे, आप कभी नहीं सोच सकते इस बात को। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है, बढ़िया से रहिए, डिसिप्लिन लाइफ जीजिए, जिए, जो एक बार रूल्स बनाइए उनको फॉलो करिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए और खुद पे भरोसा करिए, ज्यादा दूसरों पे भरोसा मत करिए। मैं एक चीज मुझे कई बार नहीं समझ में आती, गार्जियन भी जाने अनजाने में, यदि कोई गार्जियन सुन रहा है मुझे यहां पे, तो मैं या फिर आप अपने गार्जियन को जरूर ये वाला पार्ट सुनाइएगा कि गार्जियन को ये पता है कि आपके जीवन का उद्धार आपका बच्चा ही करेगा, पड़ोसी नहीं आके करेगा, पड़ोसी का बच्चा नहीं करेगा कभी भी, उनका बच्चा ही करेगा, उनका जीवन भर करेगा। तो अपने बच्चे पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि दूसरे के बच्चे पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। और आप लोगों को भी बता रहा हूं, जीवन में जब कभी अभिभावक बनोगे, पेरेंट बनोगे, या आपके घर में भी छोटे छोटे भाई बहन होंगे, तो आप हमेशा उन पे कॉन्फिडेंस ज्यादा रखना, उन पे भरोसा ज्यादा रखना, दूसरे की अपेक्षा, दूसरे पे प्राउड करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने लोगों पे को बहुत कम लोग मिलते हैं भरोसा करने वाले, आपके ऊपर बहुत कम लोग हैं भरोसा करने वाले। और जब कोई भरोसा आप पे करे तो उसका भरोसा भी मत तोड़ना, यह भी दूसरा मैं लेसन सिखा रहा हूं आपको, ये दो चीजें ध्यान रखना, यदि आप पे कोई भरोसा कर रहा है तो उसका भरोसा मत तोड़ना कभी भी,
पूरा दम लगा देना किसी कार्य को जो आपके ऊपर दिया गया उसे करने के लिए, और अपने लोगों पे ज्यादा भरोसा करना जो आपके लाइफ से एलाइन है, जो जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे मुझे आप लोगों पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत भरोसा है कि आप हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें कभी भी चीट नहीं करोगे, खुद को चीट नहीं करोगे। अब ये भरोसा मेरा आप लोगों के लिए है। अब पता नहीं आप उस भरोसे को किस हद तक लेकर के जा पाओगे, पूरा करोगे नहीं पूरा करोगे, आप जानते हो, आप ज्यादा बेहतर जानते हो। ठीक है, चलिए।